मुंह एक ही दिया है। क्यों? ताकि कानों से सुनो ज्यादा और एक मुंह है उसे बोलो कम। अगर ज्यादा बोलोगे तो मूर्ख माने जाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा सुनो। लेकिन आजकल परिवर्तन बदल गया। लोग कहते ज्यादा है सुनते कम है। यही तो गलत है। सुनेंगे बहुत कम लेकिन कहेंगे अपनी बहुत ज्यादा। देहात गावन में शहर में कहीं भी चले जाओ आप लोग, घर में नई नई बहुरिया आती, बोली की ज्यादा और सुनी की कम। घर की सास माँ जो होती हैं सुनेंगी कम लेकिन बोलेंगी ज्यादा। बूढ़े बप्पा खून मांस का पता नहीं, हड्डियों का ढांचा इकट्ठा हो गया। जो कोई शब्द कहते ही तो साइड से हवा निकल जाती है, लेकिन बोलते ज्यादा हैं सुनते कम। ए मेरे भाई, जहां पर आवश्यकता पड़े वहां पर बोलो। ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा शब्द निकलेंगे और जब ज्यादा शब्द निकलेंगे तो ये मैं वादा कर रहा हूं एक दो शब्द तुम्हारे जरूर गलत निकल जाएंगे। याद रखना, कवियों ने भी कहा है, शब्द संहार के बोलिए और शब्द के हाथ न पाम, एक शब्द अब सधि करे और एक शब्द करे धाव। याद रखना, इस जीभ्या से ऐसे शब्द बोलो जो दूसरों को सुनते हुए अच्छा लगे। क्योंकि इस शब्द से ऐसे बोल मत बोलो जो दूसरों को सुनते हुए खराब लगे। कबीर दास ने भी कहा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल हो। कबीर दास ने कहा ऐसी बाणी बोलो जो अपने आप को भी बोलते हुए अच्छा लगे, दूसरे को भी सुनते हुए अच्छा लगे। और एक बात का और ध्यान रखना, ऐसी बाणी न बोलिए जो सबसे झगड़ा हो, और ऐसे झगड़ा मत करो जो तुमसे उतगड़ा हो। भैया ही पार करेगो। याद रखना, इन बातों का ध्यान रखना, जीवन सुधर जाएगा, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, मैं वादा कर रहा हूं। दोस्तों, ए मेरी मां, तीन लोगों ने इस जीभा पे कंट्रोल नहीं किया, उनकी सत्यानाश हो गई। वो कौन कौन लोग हैं बताएं? महाभारत में द्रौपदी को तो सब लोग जानते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन से क्या कहा था? अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। इसी बात पे पूरी महाभारत हो गई। दूसरे कर्ण थे, जिस समय द्रौपदी का चीर खींच रहा था दुशासन, तो कर्ण ने द्रौपदी से कहा था कि द्रौपदी तेरे पांच पति हैं, आज कोई काम नहीं आ रहे, तू छठा भी बना ले हमको।
दोस्तों जो ज्यादा बोलता है उससे अपशब्द निकल जरूर जाते हैं। तीसरा व्यक्ति दुर्योधन था। दुर्योधन ने यही जवाब दिया, हे द्रौपदी देर क्यों लगा रही, जल्दी से आ हमारे जंघा पे बैठा कर। ए मेरे भैया इस जीभ को संभाल लो, जीवन बदल जाएगा, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। क्यों? कबीर दास ने कहा कि संभालो अपनी दुलहिनी। कबीर दास ने इस जीभ को दुल्हन बताया कि संभालो अपनी दुलहिनी। अरे चलो ती पुचाल संभालो सुनो। यही दुलहिनी के बात समनई, यही दुलहिनी के बात समनई, यही दुलहिनी के बात समनई। इस दुलहिन के बत्तीस मनई पति बताया है दांतों को कबीर दास ने। क्या बात है, यही दुलहिनी के बत्तीस मनई। अपना बोली महल बीच धुंधी करी, अपना बोली महल बीच धुंधी करी, अपना बोली महल बीच धुंधी करी। याद रखना इस जीभा में ही कोयल है और इसी जीभा में कौआ है। अपना बोली महल बीच धुंधी करी और तन पे इस शरीर पे हजारों लाठियां बरस जाती। अरे तन को करे परेशान संभालो अपनी दुलही, चलती तू चाल संभालो अपनी दुलही, चलती तू चाल संभालो अपनी दुलही, चलती तू चाल संभालो अपनी दुलही। कहती है कौशल सुनो